नमस्कार दोस्तों, झारखंड की राज्य की महिला के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि ये संभावना बनी हुई है कि राज्य की मैया समान योजना जल्द ही बंद हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर लाखों महिलाओं पर पड़ेगी, जो इस योजना के तहत हर महीने मिलने वाली सहायता राशि पर निर्भर थी। वर्तमान में झारखंड की गरीब महिलाओं को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना के अंतर्गत हर महीने 1000 रुपये की राशि उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में ये योजना बंद होगी? यदि हाँ, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? मैया सम्मान योजना को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के आत्मनिर्भर बनाना था। इस योजना के अंतर्गत पहले 21 से 50 वर्ष की महिलाओं की खाते में पैसा भेजी जाती थी, लेकिन अब ये लाभ 18 से 20 वर्ष की आयु के लिए भी उपलब्ध है, ताकि युवा महिलाएं भी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। हाल ही में मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की है कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को चौथी किस्त छठ पूजा के अवसर पर जारी की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने योजना में मिलने वाली मासिक राशि को बढ़ाने की भी योजना बनाई है। दिसंबर से आप महिलाओं को 1000 रुपये के बजाय 2500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। राज्य सरकार ने इस वृद्धि को लागू करने के लिए 900 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि आने वाले चुनावों के परिणाम इस योजना का भविष्य तय होगा। अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो ऐसी अटकलें हैं कि मैया सम्मान योजना को बंद किया जा सकता है। विपक्षी पार्टी भाजपा ने अपने चुनाव अभियान में ये वादा किया कि उनके सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना को लागू किया जाएगा, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। ऐसे में इस योजना का जारी रहना या बंद होना नई सरकार के गठन पर निर्भर करेगा। योजना के बंद होने से महिलाओं के आर्थिक तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी महिलाएं इस सहायता राशि पर निर्भर थीं, जिससे उनका घरेलू खर्च चल रहा था। यदि ये योजना बंद होती है तो उनके जीवन में एक बार फिर आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो सकती है। इस योजना के तहत जिन महिलाओं के आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं, उन्हें सरकार द्वारा जारी लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहिए। अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है या आपका आवेदन अब तक स्वीकृत नहीं हुआ है, तो आप संबंधित कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन के साथ अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड आवश्यक लेकर जाइए, ताकि आप ये सुनिश्चित कर सके कि आपका आवेदन सही ढंग से पूरा हुआ है। आने वाले समय में राज्य की राजनीति में योजना भविष्य का निर्णय होगा। अगर हेमंत सोरेन सरकार आपस सत्ता में आती है तो इस योजना में नए बदलाव और सुधार की संभावना है, ताकि महिलाओं को अधिक सहायता मिल सके। ये योजना न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति की सुधारने में सहायक है, बल्कि झारखंड की युवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का एक अवसर भी है, यानी कि अवसर प्रदान करती है। सरकार को इस निर्णय से राज्य की बेटियों अपने भविष्य के आर्थिक अधिक आत्मनिर्भर बन सकेगी और उनके जीवन सुधार में आएगी।